नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का भारत दस्तक के ऊपर। दोस्तों सबसे बड़ी खबर यही है कि चंद्रशेखर आजाद कौन सी वो सीट होगी लोकसभा की जहां से चुनाव लड़कर संसद में जाएंगे। भारत के हजारों करोड़ों लोग जानना चाहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद उनके नेता बहुजनों के उभरते हुए सबसे बड़े नेता और सबसे बड़े दलित आइकॉन के उभरते हुए नेता चंद्रशेखर आजाद कौन सी ऐसी सीट है जिसको चुनेंगे अपनी सांसदी के लिए या फिर सांसद बनने के लिए, सांसद का चुनाव लड़ने के लिए। तो दोस्तों इसका खुलासा हो गया है और 100% माना जा रहा है कि यही सीट है जहां से चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ेंगे और सांसद बन सकते हैं। बीच में कयास लगाए जा रहे थे कि चंद्रशेखर आजाद क्या आरएलडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं या फिर आरएलडी की सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं, या फिर ये बताया जा रहा था कि 2024 में आरएलडी, समाजवादी पार्टी और आजाद समाज पार्टी का गठबंधन होगा तो इन तीनों के सहयोग से चंद्रशेखर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अभी कोई भी ऐसा गठबंधन दिखाई नहीं दे रहा है, ना ही उसकी बात हो रही है। लेकिन दोस्तों चंद्रशेखर आजाद कौन सी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं इसका खुलासा होने जा रहा है। दोस्तों नगीना वो लोकसभा सीट बताई जा रही है जहां से चंद्रशेखर आजाद जी चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि नगीना लोकसभा सीट अभी बसपा के पास है, गिरीश जी यहां से सांसद है, बसपा के गिरीश जी यहां से सांसद है, बसपा के पास ये सीट है और ये सुरक्षित सीट है, यानी कि अनुसूचित जाति के लिए, एससी कैटेगरी के लिए सुरक्षित सीट है। और 100% बताया जा रहा है कि यही वो सीट है जहां से चंद्रशेखर आजाद जी चुनाव की तैयारी करने वाले हैं। और 15 अगस्त को यानी कि आज यहां पर चंद्रशेखर जी जाएंगे और एक तिरंगा यात्रा की भी शुरुआत करेंगे। और यही यात्रा, ये जो तिरंगा यात्रा 15 अगस्त को चंद्रशेखर जी निकालने वाले हैं, यही नगीना सीट के ऊपर चंद्रशेखर आजाद जी का चुनाव प्रचार या फिर लोकसभा चुनाव की तैयारी का आगाज बताया जा रहा है मीडिया की तरफ से और हर लोगों की तरफ से। और आपको बता दूं, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी की तरफ से यह भी कहा गया है कि नगीना सीट के ऊपर कार्यकर्ता पहले से ही मेहनत कर रहे हैं और पहले से ही चंद्रशेखर के पक्ष में माहौल बनाने की तैयारी करी जा रही है। क्या बोलते हैं नगीना लोकसभा सीट के ऊपर, और अब चंद्रशेखर जी यहां से तिरंगा यात्रा निकाल रहे तो माना जा रहा है कि नगीना वो सीट है और 100% नगीना वो सीट है जहां से चंद्रशेखर जी चुनाव लड़ने वाले हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, अगर नगीना लोकसभा सीट से चंद्रशेखर जी चुनाव लड़ते हैं तो वो क्या वो जीतेंगे या हारेंगे? जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट कीजिए कि चंद्रशेखर जी वहां से चुनाव लड़ते हैं तो जीतते हैं या हारते हैं। कमेंट करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।